अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में। आज मैं आपके लिए जो सॉस लाई हूँ, बेहतरीन सा सॉस है जो कि आप शवरमा रोल्स में यूज़ कर सकते हैं, चिकन गार्लिक रोल में, चिकन रोल में। बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा बनता है। आप अपने घर में साफ़ सुथरा सा खुद बनाएं। अच्छा, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप यहाँ पे मायनीज लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने विनेगर लिया है, और इसके बाद 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है, और 3-4 लहसुन के जवों को बिल्कुल चॉप कर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे गार्लिक पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे क्रीम ली है। तो सबसे पहले यहाँ पे मायनीज के अंदर हमने जो है मिर्चें वो डाल दी, ब्लैक पेपर, फिर सॉल्ट डाल दिया उसके बाद, और इसके बाद यहाँ पे जो गार्लिक पाउडर था वो यूज़ करेंगे। इसमें सब चीज़ें ऐड होंगी, और इसके बाद यहाँ पे जो लहसुन चॉप किए हुए थे, 4 लहसुन को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था वो डाला है, फिर विनेगर डाल रही हूँ, और इसके बाद यहाँ पे जो 1 टेबल स्पून क्रीम था वो यूज़ किया है, और इसके बाद इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और इस तरह से मिक्स करेंगे कि ये कम्प्लीटली इसके साथ मिक्स हो जाए, मायनीज के साथ ये मिक्स हो जाए। तो आपने इसके बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे देखें मिक्स हो चुका है, और देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर बना है, और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो आप लोग इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना है। आप जब इसको चिकन रोल्स में डालेंगे या गार्लिक रोल बनाएंगे तो बिल्कुल सेम बाहर जैसा टेस्ट होगा। तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस कम्प्लीटली देखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।